मेरा नाम बोधराज भट्ट है। हमें यहाँ बहुत ही खुशी हुई क्योंकि 34 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम बोधराज भट्ट है। हमें यहाँ बहुत ही खुशी हुई क्योंकि 34 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ और इस हवन में, इस यज्ञ में माता रानी का जो यज्ञ हो रहा है, यहाँ ब्राह्मजमान नाम के से जाने जाते हैं, यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ है जो 34 साल के बाद हुआ है। करीब करीब मिलिटेंसी के कारण जो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुई थी उसके कारण हम लोग यहाँ से 90 में निकल गए थे। उसके बाद यहाँ कुछ लोग थे ही नहीं जिसकी वजह से ये संपूर्ण हो सकता था। आज हम जब यहाँ आए, यहाँ के लोकल जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है इस यज्ञ के लिए। उन्होंने हर तरह से मेहनत करी, इवन यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, DC साहब, SP साहब, मैं उनका बहुत बहुत आभार। बहुत अरसे के बाद करीबन 40-50 साल के बाद उन्होंने फिर यहाँ आज ये हवन का इनकार किया है। पहले ये बहुत से फंक्शन यहाँ हो रही थी, जब 90 से पहले यहाँ जो पंडित बरादर हम इकट्ठे रह रहे थे, मैं उस वक्त छोटा था, एक बच्चे के तौर पर मैं यहाँ आ रहा था उन फंक्शनों में हिस्सा लेने के लिए। उस वक्त भी मुस्लिम कम्युनिटी जो हमारे गाँवों की, इस इलाके की मुस्लिम कम्युनिटी, वो इसमें शमूलियत करती थी, लेकिन बदकिस्मती से जो 90 का वाका हुआ उनको यहाँ से निकलना पड़ा, वो बदकिस्मती का टाइम था हमारे लिए भी, हमारे कल्चर के लिए, कश्मीर के लिए, जो उनको यहाँ से निकलना पड़ा। और आज हमारे हमें खुशी का मौका ये फिर मिला है और आज हम खुश हैं। यहाँ सिर्फ मैं खुश नहीं हूँ बल्कि यहाँ का हर घर, जिस घर में भी जाओगे, जो भी हमारे इर्द गिर्द का जो एरिया है, जो यहाँ हमारे बाकी इलाके, जो इलाका, जो बड़ा इलाका है, अगर आप रोहमुआ जाओगे, अगर आप डोडरा जाओगे, अगर आप कंगन जाओगे, देखोगे कि हर घर में इस वक्त खुशी है, हर घर में इस वक्त ईद है, हर घर में ये इस वक्त खुश है कि आज हमारी जो पंडित बरादरी जो 90 में हमसे जुदा हो गई थी, आज फिर हमें उनसे मुलाकात होगी। हमारी जो यहाँ प्राणनाथ जी है, मुझे उसने पढ़ाया है, इस वक्त इमोशनल मौका है क्योंकि उस वक्त जिसने मुझे पढ़ाया था, मेरे टीचर रहे, जो मस्जिदें हैं, जो बड़े बड़े हमारे जो उलमा हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, एक ऐसा माहौल यहाँ तैयार किया जाए, एक ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि जो पंडित बरादरी यहाँ हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में जो इस वक्त रह रहे हैं, कोई जम्मू में, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में, कोई महाराष्ट्र में, कोई एक ऐसा माहौल यहाँ बनाए ताकि पंडित बरादरी हर एक जगह से यही सोचे कि नहीं, हाँ हम अपने कश्मीर में, वहाँ माहौल सुधर गया है, वहाँ वापस जाना है हमें, हम अपने घरों में रहेंगे, हम अपनी मुसलमान बरादरी के साथ रहेंगे, ऐसा माहौल बनाने की मैं यहाँ गुजारिश करता हूँ सियासी पार्टियों से भी और रिलीजियस आर्मी। और मैं अगर के कश्मीर का रहने वाला हूँ तो आज हम 50 साल के बाद अगर जो हवन रचा रहे हैं तो ये पूरा आहुति अभी कंप्लीट हो गई, तो बाहर से भी बहुत सारे लोग आए थे, इधर कश्मीर से भी लोग आए थे, जो यहाँ पे हमने भाईचारा जो मुसलमानों का और हिंदुओं का, ये कश्मीर में एक अनोखा मिसाल है, अनोखी मिसाल है। तो आज के दिन हम ये माता का दिन मना रहे हैं, माता जी ब्राह्मज माता, उसका नाम है यहाँ पे मंदिर का ब्राह्मज माता, तो जैसे खीर भवानी है तो वैसे ही दो दिन के बाद उधर भी मेला लगने वाला था, आज हमने कल से इधर हवन जो चल रहा था आज ये पूरा हो गया।